नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिससे बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला आगरा के थाना सदर के अंतर्गत शहीद नगर का है, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी राहुल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका एक साथी आकाश अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश से विकास रावत की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। घटना हुई है इस बच्ची के बारे में, क्या मामला फिर? देखिए, थाना सदर बाजार की चौकी शहीद नगर में मोहल्ला आजाद नगर पार्क है, वहाँ की एक घटना है। बच्ची 6-7 साल की बच्ची है, जिसके साथ एक पड़ोस के एक लड़के ने एक निर्माणाधीन मकान के छत पर जाके गलत काम किया है और इसका मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। बच्ची का मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है और बहुत शीघ्र पुलिस अभी गिरफ्तारी कर रही है। सर, इतना पुलिस अपना वर्क भी कर रही है, उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, अपराधी अपराधी होता है और ये इस तरह के अपराध है तो सजा है, पुलिस है, अगर अपराध नहीं हुआ तो पुलिस कहाँ होगी? तो पुलिस ऐसा काम करना चाहती है जिससे अपराधियों के दिल में और खौफ पैदा हो जाए। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी घटना ना। इसमें सर जो कार्रवाई क्या होगी? ऐसी बात है, इसमें 376 और कई पॉस्ट की धारा लगेगी, जिसके अंतर्गत चला जाएगा।